हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका गेमिंग वीडियो में। तो आज मैं आप सबको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ GTA 5 माइनक्राफ्ट विथ शेडर्स और हिटमैन 3 और बहुत सारे जो पीसी के गेम्स होते हैं वो सब। और ये मैं नहीं, ये ट्रिकी गए और फैंटास्टिक 01 प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्लाउड गेमिंग है जिससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, मतलब डाउनलोड नहीं, खेल सकते हो। तो चलो गाइस, अभी मैं आपको कैसे खेलते हैं और डाउनलोड प्रोसेस दिखा देता हूँ। पहले पहले तो मैं डाउनलोड प्रोसेस ही दिखाऊंगा। तो ओके गाइस, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने एंड्रॉयड के स्क्रीन में और यहाँ पर आप सबको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको गेम सीसी ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना। और सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 और सर्वर 4 है विथ माइनक्राफ्ट, ठीक है, यहाँ पर लिखा है। आप सबको हर एक सर्वर को आप चेक करोगे तो वो ऑनलाइन या ऑफलाइन दिखेगा। अगर ऑनलाइन दिखेगा तो आपको कनेक्ट कर लेना है और आप खेल सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको 11 सेकेंड्स वेट करना रहता है। आपको एक गेम सीसी का लिंक मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पर भी आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक कर आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। तो यहाँ पर भी आपको 15 सेकेंड वेट करना पड़ता है, तो 15 सेकेंड वेट कर लेना और मैं आपको डाउनलोड लिंक तक पहुँचा देता हूँ, वहाँ पर आप डाउनलोड कर लेना। ओके गाइज, यहाँ पर वेट करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको डाउनलोड लिंक दिख जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और चलो अभी मैं नेक्स्ट पार्ट पर लेकर चलता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर हमारा क्लाउड गेम खुल गया है जो कि गेम सीसी है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बहुत से सर्वर्स मिल जाते हैं। तो आप सबको याद होगा कि जो मैंने आईडी दिखाया था वो यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो मैं यहाँ पर ना ब्लर कर रहा हूँ कि आप लोग मैं आईडी ना देख पाओ। तो यहाँ पर जो आपको आईडी मिलेगा वो आपको डाल देना है। ओके, उसके बाद आप जब डालोगे तो आपको कुछ ऐसा पीसी दिखेगा। तो पीसी पर ना तुम्हें कुछ भी डाउनलोड कर, मतलब खेलना है कोई भी गेम, बस इसमें कर लेना। और हाँ, साइन इन भी कर लेना, ठीक है। तो गाइस, साइन इन करने के बाद ना आपको यहाँ पर रेंट एनीवे पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर रेंट का ऑप्शन आएगा, उस पर भी क्लिक कर देना है। और हम लोग को यहाँ पर बहुत सारे गेम्स मिल भी जाते हैं, जैसे आप देख सकते हो GTA 5 है और माइनक्राफ्ट, या फिर बहुत सारे अभी ऐसे सर्वर हैं। तो अगर आप रात में खेलते हो ना, तो आप लोग इतनी जल्दी आ जाते हो ना गेम में, तो आपको इतनी जल्दी आप खेल सकते हो। तो यहाँ पर ना, यहाँ पर अभी मैं GTA 5 में आ चुका हूँ, GTA 5 बोल रहा हूँ, माइनक्राफ्ट, क्योंकि अभी के लिए तो माइनक्राफ्ट है। धीरे धीरे अगर GTA 5 सारे गेम्स आ जाएंगे तो यहाँ पर, और शायद इस वीडियो के बाद GTA 5 आ भी चुका हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कंट्रोलर्स है और यहाँ पर सेटिंग्स में कुछ करना रहता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर ना माइनक्राफ्ट के कुछ लेआउट होते हैं जो कि आप ट्रिकी गाय की वीडियो में जाकर आप सीख सकते हो। ओके गाइस, यहाँ पर हम लोग सेटिंग कर लेते हैं और सेटअप करके मैं आपको मिलता हूँ गेम में। तो गाइस, यहाँ पर हमारा माइनक्राफ्ट चल चुका है और ऐसे ही माइनक्राफ्ट पीसी में भी चलता है। तो यहाँ पर हम लोग को कंट्रोलर्स और थोड़ी देर के बाद हमारा माइनक्राफ्ट चल जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा पुराना वर्जन है और आप सब देख सकते हो ऐसे ही है, पीसी में भी ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पर हम लोग को सिंगल प्लेयर में जाना है और मैं यहाँ पर, मतलब थोड़ा सा मेरा ना वाईफाई का, मतलब वाईफाई ठीक नहीं है। और तो यहाँ पर हम लोग पहले तो वर्ल्ड बना लेते हैं। तो यार गाइस, यहाँ पर हम लोग अपना वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं। पर गाइस, यहाँ पर हमारा वर्ल्ड जनरेट भी हो रहा है और इतनी जल्दी हो गया, और पीसी में तो होता भी नहीं है, और ये मेरा एंड्रॉयड है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर सब कंट्रोलर्स काम कर रहे हैं। ओके, पर ये कंट्रोलर्स काम नहीं करते क्योंकि पीसी के लिए हम लोग को एक कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ता है।
वो कंट्रोलर आपको लिंक में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और शेडर्स भी आप लोग कोई भी डाउनलोड करके लगा सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कंट्रोलर सेटअप कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ऊपर सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, सेटिंग्स पर आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पर हम लोग को ये सब कुछ करना है, आप देख लेना सीधा। तो यहाँ पर मैं ये सब कर रहा हूँ एंड माइनक्राफ्ट पर क्लिक कर देना है, बस इतना सा है और आप कंट्रोलर्स चेंज हो जाएगा। तो गैस मैं यहाँ पर आपको एक ट्री तोड़ कर दिखाता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं जावा एडिशन ही खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर ये वुड तोड़ता हूँ तो यहाँ पर मुझे अचीवमेंट मिलता है जो कि जावा में ही मिलता है। तो चलो गैस आज के लिए इतने।